इटली के अंदर बहुत सी ऐसी मुख्तलिफ एजेंसियां हैं जो आपको काम ढूंढ के देती हैं। जी हाँ, ऐसी बहुत सी एजेंसियां हैं जो आपको काम ढूंढ के, और यहाँ आने का मकसद जो 99% लोगों का होता है वो पैसा कमाना। तो वो कैसे आसानी से कमा सकते हैं हम आपको बताते हैं सर। और ऐसी बहुत सी एजेंसियां हैं इटली के अंदर जो आपको कोर्सेज भी कराती हैं। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको कोर्सेज करवाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इन इटली। इटली में जॉब कैसे हासिल करें? आपको पता है जो लोग पाकिस्तान से आना चाहते हैं, जो लोग तैयारी है इटली आने की, जिनके नूले उससे निकल आए हैं, और जो लोग इटली में नए आए हैं, यहाँ पहुँचने के बाद सबसे जो पहला टारगेट होता है वो जॉब कैसे हासिल करें। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताएंगे कि आप कैसे जॉब आसानी से और जल्दी हासिल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इटली के अंदर इमिग्रेशन के हवाले से और जितनी भी नए लॉज हैं और जितनी भी नई मालूमात हैं आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो यहाँ पहुँचने के बाद जो सबसे पहला टारगेट होता है वो जॉब हासिल करना होता है ताकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, और आपके अपने इटली के अंदर जो है वो बहुत से अखराजात होते हैं, उन अखराजात को आप पूरा कर सकें। और यहाँ आने का मकसद जो 99% लोगों का होता है वो पैसा कमाना। तो वो कैसे आसानी से कमा सकते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने जो फर्स्ट है, सबसे पहले आपने अपनी सीवी बनानी है, यानी कि कुरिकुलम इटली में बोलते हैं। सीवी बनानी, सर बनाने के बाद मतलब इस सीवी के अंदर जो आपको काम आता है, मतलब अगर आप मैकेनिक हैं, प्लम्बर हैं, पेंट का काम जानते हैं, रेस्टोरेंट का काम जानते हैं, या अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, तो उसके अंदर ऐड कराएँ। जी हाँ, तो मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सीवी कहाँ से बनती है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो खुद सीवी वगैरह बना लेते हैं, जो लोग नहीं जानते, हाउ नो नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी किसी भी दफ्तर में जाके आप अपनी सीवी बनवा सकते हैं, और जो है वो आपको उसमें आपका नोमे कन्योमे, आपका नेम सरनेम यानी कि डेट ऑफ बर्थ, और आपको जो जो उनका काम आता है उसमें आपकी सारी डिटेल लिख देते हैं ताकि आपके पास एक सीवी हो। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपके पास, यानी कि आपको बोलने के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो सीवी पकड़ाएंगे तो उनको पता लग जाएगा। और सेकंड स्टेप पर ये कि आपने जहाँ पर इटली के अंदर बहुत सी ऐसी मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं जो आपको काम ढूंढ के देती हैं। जी हाँ, ऐसी बहुत सी एजेंसियाँ हैं जो आपको काम ढूंढ के देती हैं, जो यानी कि आपको पता है लोग पाकिस्तान में जो बड़े शहर हैं, कराची हो गया, लाहौर हो गया, जो बड़े शहर हैं जिनके थर्ड पार्टी हम कहते हैं, थर्ड पार्टी आपको जॉब ढूंढ के देती है और वो कुछ पर्सन रखती है, और रखने के बाद आपको यानी कि सैलरी देती है। सेम इसी तरह इटली के अंदर बहुत सी एजेंसियाँ हैं जो आपको काम ढूंढ के देती हैं और आपको कुछ परसेंटेज रखती हैं, उसके बाद आपको वो तनख्वाह देती हैं। तो यानी कि ये एजेंसी, आप हमेशा एजेंसियों के साथ काम नहीं करेंगे, यानी कि लॉ है इटली के अंदर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंपनी आपको डायरेक्ट यानी कि आपको ले लेती है, और जो आपके बेनिफिट जो कंपनी के डायरेक्ट होते हैं वो आप सबको मिल रहे होते हैं। जब एजेंसी के थ्रू होते हैं तो वो बेनिफिट उस तरह नहीं मिलते हैं। और ऐसी बहुत सी एजेंसियां हैं इटली के अंदर जो आपको कोर्सेज भी कराती हैं। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको कोर्सेज करवाती हैं, यानी कि मुलेतो हो गया, जो यानी कि उसका लाइसेंस होता है, वो आपको फ्री में करवाती हैं। और आपके अंदर यानी कि यहाँ इटली के अंदर बहुत फेमस काम है सल्दा तूर, जिसकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा है, उस पर भी हम इंशाल्लाह आपको एक वीलॉग बनाएंगे और आपको बताएंगे। यानी कि सारे कोर्सेज वगैरह जो फ्री में यानी कि करवाती हैं एजेंसियाँ। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक भी दे दूँगा, यानी कि फ़ोन नंबर जो है, जो ब्रेशिया और ब्रेशिया के जो है इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका नंबर भी छोड़ दूंगा ताकि आप उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके, तो ये क्या आप वहाँ जाके अपनी सीवी छोड़ सकते हैं। तो अपनी सीवी आप सबसे पहले जो मैंने बताया सीवी बनाएं, ताकि इस तरह काम देखें, एक प्रोफेशनल जो तरीका है काम ढूंढने का वो यही है कि आप सीवी बनाएंगे, उसके बाद ये सीवी लेके अपनी एजेंसियों में देंगे तो आपको काम, उनको ये खुद काम ढूंढ के देती हैं और आपको जो है ये काम पे भिजवाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे वीडियो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो में।